ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। शेखपुरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूली ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 छात्र अरियरी पीएचसी में भर्ती है, जहां वे सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के बरसा गांव के मोड़ के पास की है। वही घटना के बाद ग्रामीणों ने अनियंत्रित ट्रैक्टर को जब्त किया है और चालक को पुलिस के हवाले किया है। बताया जाता है कि सुबह के करीब 9 बजे स्कूली छात्रों का भरा ऑटो निजी स्कूल के लिए जा रहा था कि इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर 5वीं के छात्र निशु कुमार की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरियरी थाना क्षेत्र के चखौर गांव निवासी मनोज ठाकुर का पुत्र बताया गया है, जो हर रोज की तरह उस वक्त भी स्कूल जा रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और घटना से गुस्साए लोगों ने शेखपुरा ससबहना सड़क को जमकर हंगामा किया है और मुआवजे की मांग भी की है। सड़क जाम के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। हम उसी में भीड़ से भाग के आ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है सर, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस उसकी पोस्टमार्टम कराएगी, एफआईआर करेगी। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग? अब यहाँ के लोग तो बताएंगे, यही लोग ना बता रहे हैं। निरंतर सर वाहन मालिकों के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो अश्लील गाना बजाया जाता है, प्रशासन का सख्त निर्देश भी है, क्या कुछ कार्रवाई है इस पे? कार्रवाई भी की जाएगी जी। अभी फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सड़क जाम है अभी। सड़क जाम नहीं है, सड़क जाम के लिए पब्लिक जो संघर्ष बिठाया जा रहा है जी, सड़क जाम का इसको फायदा नहीं। अभी स्कूली छात्र का मौत हुआ है सर, कार्रवाई के दृष्टिकोण से आपका प्रथम स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो है हम तैयार पोस्टमार्टम करा के तैयार करवाएंगे जी। ट्रैक्टर मौके पर बरामद हुई है, चालक का कुछ पता चल पाया? उसके लिए चालक का अभी तक पता नहीं चला, उसके गिर गया, चालक का पता नहीं चला। अभी तो भीड़ में सब लोग हैं, गाड़ी खड़ी है, ट्रैक्टर है, उसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। ये तो मनमानी ना है भाई, एक स्कूल का बच्चा किसी का लाल घर से निकला है और उसकी लाश इस बेदर्दी से उसको अब क्या हम लाश देख भी नहीं सकते ना, बोल सकते हैं आपसे हम? और ये तो इसमें यहाँ पे संज्ञान लेना पड़ेगा प्रशासन को, और कहीं ना कहीं जो मुआवजा है उचित मुआवजा दिया जाए उनके परिवार के लोगों को। ग्रामीण बराबर जिलाधिकारी महोदय से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। एक तो मासूम किसी के घर का लाश बचला गया, वो तो वापस नहीं आएगा लौट करके। वो बच्चा एक मासूम कैसा लगा हो जब ट्रैक्टर चढ़ा होगा, और ट्रैक्टर क्या है, ओवरलोड ट्रैक्टर, बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर, तो किसकी मिली भगत से गाड़ी चल रही है यहाँ पर? कौन है आखिर कुछ तो पुरसे हाल होगा। यह बहुत बड़ा चुनाव अध्यक्ष के मीरा में थे, पटना से हम यहाँ पे आ सकते हैं, 3 घंटे से पहले हम यहाँ पे पहुँच गए, तो फिर प्रशासन में क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं? ये आज मॉब है, हंगामा हो रहा, आके आप जो एक बार बात तो करें आप यहाँ से पब्लिक से। और रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, वो तो इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी भी चाहिए। मैं जिलाधिकारी महोदया से, मैं एसपी साहब से अनुरोध करता हूँ आप चैनल के माध्यम से कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और संज्ञान लिया जाए इसके ऊपर। ओवरलोड ट्रैक्टर लेकर के आना, आज एक मासूम गया, कल दूसरा मासूम जाएगा, कल तीसरा जाएगा, अच्छी बात थोड़ी है। ये बच्चों से मेरी बात अभी हमारे सांसद चिराग पासवान से भी हुई है, बच्चे के परिजनों को मैं मुआवजा जो मिले। I love my bachpan. Bachpan, we love you. I love my bachpan. I love my bachpan. Bachpan, India ka favorite play school. क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता।